हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स एंड इन दिस वीडियो वी विल ओनली गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर व्हाट वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस इस पैराग्राफ में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास प्री नॉलेज क्या है फोटोसिंथेसिस का और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वी ऑल आर नोइंग द सिंपल डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो डिफिनेशन सब कोई जानता है दैट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल वाटर एंड सीओ टू तो ये चीज़ तो सब कोई जानता है नेक्स्ट इज यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द सिंपल एक्टिविटी इन द अर्यर क्लासेज दैट शोज द क्लोरोफिल लाइट सो यू टू आर असेंशियल फॉर द फोटोसेंसिस टू हकर तो क्लास टेंथ में ये सारी एक्टिविटीज आपने पढ़ी थी अलग अलग एक्टिविटीज हमने की थी कि कैसे हम पता लगाएंगे कि क्लोरोफिल फोटोसेंथिस के लिए इंपॉर्टेंट है कैसे लाइट क्लोरोफिल लाइट फोटोसेंथिस के लिए इंपॉर्टेंट है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटो के लिए इम्पोर्टेंट है और इन तीनों कंपोनेंट्स के अबसेंट में फ़ोटो नहीं होगा दिस वॉज बीन इम्प्रूव्ड बाई द सिंपल एक्टिविटीज़ इन क्लास टेंथ यू ऑल आर ऑल्सो नोइंग अबाउट द एक्टिविटी टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन एक और सिंपल एक्टिविटी क्लास टेंथ में थी कि कैसे हमको बस पता चलेगा कि फोटो का जो प्रोडक्ट है वो स्टार्च ही होता है तो इस वाले एक्टिविटी के लिए हमने क्या किया था वेजिटेड लीव लिया था वेजिटेड लीव मतलब होता है ऐसा लीफ जैसे क्रोटोन पौधे का लीफ जहाँ पे पैचेस में ग्रीन येलो या वाइट कलर के पैचेस होते हैं मतलब ऐसा पौधा जनरली हम क्रोटोन का पौधा लेते हैं जिसमें एक ही लीफ पर अलग अलग कलर आपको मिलते हैं येल्लो वाइट एंड ग्रीन तो ये पता है कि जो ग्रीन कलर के पैचेस हैं वहाँ ही पर क्लोरोफिल होगा बाकी जो वाइट दिख रहा है वहाँ क्लोरोफिल एबसेंट होगा तो क्या करते हैं कि वी कवर पार्सली द लीफ विथ ब्लैक पेपर एंड देन एक्सपोज द टू द लाइट फॉर फ्यू आवर्स उसके बाद उस लीफ को प्लग कर लेते हैं प्लग करने के बाद जो ब्लैक पेपर उसको हटा देते हैं और लीफ को स्टार्च के लिए हम टेस्ट करते हैं तो फोटो सेंसिस ऑकर बन इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ जो ग्रीन पार्ट है उसी पार्ट में फोटो सेंसिस होता है इन द प्रजेंस ऑफ लाइट तो स्टार्च टेस्ट जब करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ ग्रीन पैचेस थे सिर्फ वहीं वहीं स्टार्च हैं तो इट्सोज इससे ये पता चलता है कि जहाँ ग्रीन कलर है यानी वहाँ क्लोरोफिल है यानी वहीं पर केवल फोटोसेंस हो रहा है बाकी प्लेसेस में फोटो नहीं हो रहा है एंडर एक्टिविटी दैट यू हैव स्टडीड इज अबाउट हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इन विच हाफ पार्ट ऑफ द लीफ वॉज इनक्लोज इन टेस्टिव कंटेनिंग के ओ एच सोल्यूशन तो ये वाला अभी क्लास टेंथ में आपने किया था जस्ट टू नो की सी ओ टू जो है इम्पोर्टेंट है फोटो सेंस के लिए इसमें हमने क्या किया था कि एक लीफ लिया था प्लांटेड प्लांट plant का लीफ लिया था उस लीफ के हाफ पार्ट को के ओ एच सोल्यूशन के टेस्ट्यूव में इनक्लोज किया था बाकी हाफ पार्ट बाहर एयर में था एटमोसफियर में था और फिर से कुछ घंटों बाद जब हमने उस पर स्टार्च टेस्ट किया उस लीफ पर स्टार्च टेस्ट किया तो लीफ का वो पार्ट जो कि बाहर था एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में था उसने स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव शो किया और लीफ का वो पार्ट जो कि टेस्ट के अंदर इनक्लोज था वो स्टार्स टेस्ट नेगेटिव दिया इससे पता चला कि बिना सी ओ टू के फोटोसेंसीस नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने के ओ एच रखा था के ओ एच क्या करता है सी ओ टू को एब्सॉर्व कर लेता है यानी लीफ को सी ओ टू नहीं मिल पाया जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ इनक्लोज था उसको सी ओ टू नहीं मिल पाया उसके चलते वो फोटोसेंस नहीं कर पाया और जो बाहर लीफ रह गया था उसको सी ओ टू मिला उसने फोटो किया और इसलिए वहाँ पे इस्टार्च का टेस्ट हमको मिला नौ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट बॉटनिस्ट ने किए या जूलॉजिस्ट ने किए इन द फील्ड ऑफ फोटो सिंथेसिस फोटोसिन्थिस को समझने के लिए समझाने के लिए कई साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय द जोसेफ प्रिस्टली तो जोसेफ़ प्रिस्टली ने क्या किया थ्रू हीज एक्सपेरिमेंट प्रिस्टली हाइपोसाइज एज प्लांट री स्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव तो जोसेफ प्रिस्टली ने अपने प्रैक्टिकल्स के थ्रू अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि प्लांट एयर को उस चीज़ से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है जिस चीज़ से एनिमल्स या बर्निंग कैंडल एयर को पॉल्यूट करते हैं उस समय अभी कोई नहीं जानता था कि एयर कौन सा गैस रिलीज करता है या एनिमल्स या बर्निंग कैंडल कौन सा गैस रिलीज करते हैं एयर में तो वी आर नोइंग कि जो एनिमल्स हैं यानी हम लोग भी हैं जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में रिलीज करते हैं जो बर्निंग कैंडल है वो भी ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं एटमोसफियर में सीओ टू अमाउंट एक्सीड कर देते हैं जिसको प्लांट फिर कंज्यूम करके उसको फ्रेश बना देता है तो उसी के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव प्लांट वो पर्टिकुलर चीज़ एयर में री स्टोर कर देता है जिसको ब्रीदिंग एनिमल या बर्निंग बर्निंग कैंडल रिमूव कर देता है तो क्या रिमूव करता है ये तो हम सबको आज पता ही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके लिए उन्होंने बेल जार प्रैक्टिकल किया बेल जार प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया कि एक बर्निंग कैंडल रखा और एक एक बर्निंग कैंडल रखा और उसको बेल जार से ढका कुछ देर बाद बर्निंग कैंडल बुझ गया उसके बाद उन्होंने एक बेल जार में रैट को रखा उसको बेल जार से कवर किया रैट कुछ घंटे जिंदा रहा वो मर गया फिर एक बेल जार में उन्होंने बर्निंग कैंडल रखा एक माइस को रखा बर्निंग कैंडल कुछ देर जलता रहा माइस भी कुछ देर जिंदा रहा और कुछ देर बाद बर्निंग कैंडल बुझ गया माइस भी मर गया तो ऐसा क्यों हो रहा था ये सब आपको पता है कि बर्निंग कैंडल को अगर हम बैलजार में रखेंगे तो बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा और जब एक्सेस ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा बेलजार के अंदर से तो वो बुझ जाएगा उसी तरह माइस के साथ भी होगा कि माइस को अगर हम बेलजार के अंदर रखेंगे तो माइस को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिल रहा है जितना ऑक्सीजन बेलजार के अंदर है तब तक वो जिंदा रहेगा जैसे ही ऑक्सीजन फिनिश होगा माइस भी मर जाएगा उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि माइस रखा कैंडल रखा और प्लांट रख दिया तो तीनों वहाँ सरवाइव रहे बर्निंग कैंडल भी जलता रहा चूहा भी जिंदा रहा और प्लांट तो खैर वहाँ पे था ही तो इस प्रैक्टिकल से उनको समझ में आया कि प्लांट कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जो कि एयर को फ्रेश बनाए हुए हैं जिसके चलते कैंडल भी जल रहा है और चूहा भी जिंदा रह गया तो दिस वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल इन द फील्ड ऑफ थिस चैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट ही शोड दैट सन लाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाइज द एयर विच इज पॉल्यूटेड बाई बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स तो उन्होंने दूसरा स्टेप लिया दैट इज कि सनलाइट जरूरी है प्लांट्स के लिए वो प्रोसेस करें ताकि एयर को प्योरीफाई करें जो एयर बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स ने पॉल्यूट कर दिया है तो जैन इंजन हाउस को ये पता था कि प्लांट वो प्रोसेस करते हैं लेकिन कब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं ये चीज़ उन्होंने अपने प्रैक्टिकल से प्रूफ किया In his experiment with an aquatic plant he showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while in dark these bubbles were not formed later on he identifies these bubbles as oxygen he showed that it is the only the green part of the plant that could release oxygen for the purification of the air तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक एक्वेटिक प्लांट लिया और एक्वेटिक प्लांट लिया और फिर स्टडी किया तो ये पता चला कि एक्वेटिक प्लांट केवल दिन के टाइम ही छोटे छोटे बबल्स रिलीज़ करते हैं वो भी जहाँ ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का वहीं रिलीज़ करते हैं बाकी कहीं रिलीज़ नहीं करते हैं और जब अंधेरा होने लगता है जब रात हो जाती है तब ये ग्रीन बबल्स नहीं निकलते हैं लेटर उन्होंने जब टेस्ट किया तो ये बबल्स क्या थे ऑक्सीजन थे और ऑक्सीजन ही वो गैस है जो कि एयर को प्यूरीफाई करता है फ्रॉम द बर्निंग कैंडल एंड द ब्रीदिंग एनिमल्स तो ये बात हमको पता है तो इस तरह से उन्होंने प्रूफ किया कि लाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन जो कि एयर को प्योरीफाई करता है तो ये हुआ जैन इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जूलियस वॉन सच एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया थ्रू हीज एक्सपेरिमेंट ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज आफ्टर फोटो सिंथेसिस तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये समझाया कि फोटो सिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है जो प्लांट के लिए यूजफुल है वो ग्लूकोज है और वो ग्लूकोज फिर फर्दर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में His later on studies show that green substance in the plant that is chlorophyll is located in a special body that is in the chloroplast. उसके बाद उन्होंने further जो study किया further जो practicals किया उससे ये समझ में आया कि जो green substance है जिसको हम आजकल chlorophyll बोलते हैं वो एक special body जिसको हम लोग chloroplast बोलते हैं उसी में located होता है यानी simple line में कहें तो chlorophyll are located in the chloroplast and no where else in the प्लांट बाकी कहीं नहीं मिलता है और यही वो जगह है जहाँ ग्लूकोज बन, बनता है एंड देन इट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च तो ये हुआ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिससे पता चला पता चला कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है और दूसरा फोटोसेंसिस का जो मेन प्रोडक्ट है जो कि प्लांट के लिए यूजफुल है वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज फर्दर इस्टार्स के फॉर्म में स्टोर होता है

द फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसेंसिस वॉज देन डिस्क्राइब तो टी डब्ल्यू एंगल मैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया कि कौन से रीजन में मैक्सीम फोटोसेंसिस होता है तो दैट वॉज ब्लू एंड रेड लाइट इस ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसेंसिस होता है एंड इट वॉज डिस्क्राइब बाई टी डब्ल्यू एंगल मैन विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एल्गा क्लेडोफोरा तो क्या कि उन्होंने उन्होंने एक प्रिज्म लिया प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया और फिर अलगा क्लेडोफोरा को यूज़ किया फोटोसेंसेंस के लिए लेकिन जिस सस्पेंसन में क्लेडोफोरा को यूज़ किया उसमें एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कर रखा था ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ ऑक्सीजन इवोल्व हो रहा वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाए तो ये बैक्टीरिया कहाँ जाकर इकट्ठे हुए मेनली जाकर के ब्लू और रेड लाइट वाले एरिया में इकट्ठे हुए हैं तो इससे ये पता चल गया कि ब्लू और रेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो मैक्सिमम एक्शन स्पेक्ट्रम वाला एरिया है फोटोसिंथेसिस के लिए नाउ इट वाज डिस्क्राइब दैट रफली द दब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम वाज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी तो यहाँ पर मेनली क्या थे क्लोरोफिल ए और बी थे तो दिस वाज द अर्ली एक्सपेरिमेंट नाउ कार्निलस वैन नील अब इन्होंने क्या प्रैक्टिकल से बताया माइल्ड स्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द दस वॉज गिवेन बाई हिम हिज डेमोन्स्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसेंस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट तो नील ने यह समझाया कि जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है दैट इज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड जो सी ओ टू वो ले रहा है प्लांट अपने स्टोमेटा के थ्रू वही सी ओ टू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है कैसे कन्वर्ट होता है बाय टेकिंग और हाइड्रोजन आयन फ्रॉम सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड फिर ये भी पता चला कि वो कंपाउंड कौन सा है इन फोटोसिंथेसिस एस टू ओ इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीजाइज्ड टू ऑक्सीजन तो पूरे प्रैक्टिकल में ये समझ में आ गया कि वाटर ही वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है और फिर वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन का निकलता है सॉरी जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है इन द फोटो सिंथेसिस प्रोसेस तो वो ऑक्सीजन कहाँ आता है दैट इज़ फ्रॉम एस टू ओ स्प्रिटिंग ऑफ एस टू ओ और स्प्लिटिंग ऑफ एस टू ओ से ही हाइड्रोजन डोनर मिलता है जिसके थ्रू सी ओ टू किस में रिड्यूस हो जाता है दैट इज़ इन द किसमें चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है तो दिस ऑल नॉलेज अबाउट द फोटोसिंथिस वॉज गिवन बाई वेल नील तो ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो सिंथिस के अलग अलग पहलू को अलग अलग इंपॉर्टेंस को अलग अलग चीज़ों को समझाया अपने अपने प्रैक्टिकल्स के थ्रू नाउ अब हम शुरू करते हैं फोटोसिन्सिस का फर्स्ट टॉपिक की वेयरडस फोटो सिंथेसिस टेक्स प्लेस तो वी ऑल नो दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट का फिगर आपके पास है आप क्लोरोप्लास्ट का फिगर देख सकते हो इसमें आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है देन क्या है हमारे पास उसमें ग्रेना रीजन है स्ट्रोमा रीजन है तो ग्रेना रीजन और स्ट्रोमा रीजन को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए ये आपके स्क्रीन पर क्लोरोप्लास्ट का फिगर है और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर से घिरा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है और एक ग्रेना रीजन है और एक स्ट्रोमा रीजन है जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में और यही वो मेन रीजनस है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है इट इज सिंपल प्री नॉलेज सॉरी यहाँ फ्री प्रिंट हो गया इट इज़ प्री पी आर डबल ई पी आर ई सॉरी पी आर ई इट इज सिंपल प्री नॉलेज दैट प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट ये सब कोई जानता है बचपन से हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट में होता है नाउ वी विल डिस्कस वॉट इज द रीजन इन ग्रीन लीव वेयर फोटो सिंथेसट एक्सप्लेस अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रीन लीव में कौन सा रीजन है जहाँ फोटो होता है तो इट इज ऑल्सो नोन टू अस दैट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लिफ्स हेल्प इन फोटोसेंसिस हमको ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसेंसिस में हेल्प करता है फोटोसेंसिस मेनली डिवाइडेड टू लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन तो अब आगे का नॉलेज ये है कि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइड है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो फेजेस होते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन मीन्स लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट का यूटिलाइजेशन करेगा और डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि डार्क रिएक्शन डार्क में होता है यानी रात में होता है तो ऐसा कुछ नहीं है आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस केवल दिन में ही होता है रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो डार्क रिएक्शन का रात से कुछ लेना देना नहीं है जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है वो दिन में ही होगा डिफरेंस ये है कि लाइट रिएक्शन लाइट स्पेक्ट्रम को यूज़ करेगा और डार्क रिएक्शन लाइट स्पेक्ट्रम को यूज़ नहीं करेगा अब होता क्या है लाइट रिएक्शन में जो फोटोसेंसर्स है वो लाइट को यूज करता है सनलाइट को यूज़ करता है हार्वेस्ट करता है उसके थ्रू एस टू स्प्लिट होता है और फिर रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है यानी ए डी पी या ए टी पी एन डी पी या ए टी पी जो है वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होकर सी ओ टू को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है अब यही जानना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है तो ग्रेना रीजन जो है क्लोरोप्लास्ट का जो अभी आपको हमने फिगर में दिखाया तो ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है लाइट रिएक्शन जो ग्रेना रीजन है क्लोरोप्लास्ट का उसमें होता है लाइट रिएक्शन और जो स्ट्रोमा रीजन हमने आपको दिखाया उसमें होता है डार्क रिएक्शन तो फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस कहाँ होते हैं ये आपको पता चल गया नेक्स्ट इज हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस देर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन कलर इन द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट अगर हम अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को देखेंगे और एक साथ इकट्ठा करके देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि सारे ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं जो अलग अलग प्लांट्स के हैं सबका सेड एक जैसा नहीं है कुछ डार्क ग्रीन है कुछ लाइट ग्रीन है कुछ, कुछ हल्की ग्रीन है मतलब कि सारा ग्रीन जो है एक तरह का ग्रीन नहीं है ऐसा क्यों है तो थ्रू क्रोमेटोग्राफिक स्टडीज ये हमको पता चला कि सिंगल पिगमेंट ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ये अलग अलग पिगमेंट हैं जो ग्रीन कलर देते हैं और इसीलिए ग्रीन कलर का अलग अलग शेड्स अलग अलग प्लांट्स में मिलता है तो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स तो ये चार मेन चार मेन पिगमेंट हैं जो कि सनलाइट को भी ट्रैप करते हैं फोटोसेंस के लिए और लीव्स ऑफ द कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और क्योंकि चारों का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है लीव्स में इसीलिए लीव्स का जो ग्रीन कलर है उसका भी शेड्स अलग अलग होता है दिस पिगमेंट्स गिव डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन कलर टू द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड दिस पिगमेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉबशन ऑफ द लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ तो ये सभी अलग अलग वेवलेंथ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करते हैं और कौन सा पिगमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है फोटोसेंसिस को प्रोसीड करने के लिए उसके लिए ये ग्राफ देखिए और अपना एन बुक खोलिए और उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि जो पहला ग्राफ है वो ग्राफ क्या शो कर रहा है दैट इज़ शोइंग द एब्जॉर्ब्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड तो एब्जॉर्बसन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है पहला ग्राफ एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम मतलब कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है मतलब किस वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन सा पिगमेंट तो देखेंगे हम क्लोरोफिल ए दैट इज नियर अबाउट 430 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल बी नियर अबाउट फोर हंड्रेड फिफ्टी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कैरोटीनॉइड्स नियर अबाउट फोर हंड्रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है ये हमको ग्राफ से क्लियर हो रहा है तो ये था एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम मतलब कौन से वेवलेंथ को कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरा ग्राफ है स्वइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसेंस मतलब कि जो ये वेवलेंथ लेंथ एब्जॉर्ब हुआ है उस वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीड हुआ है वो कहाँ कहाँ ज्यादा हुआ है तो हम देखेंगे कि जहाँ क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहीं पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है और बाकी जगह कम कम हुआ है ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में थर्ड हम लोग देख लेते हैं थर्ड ग्राफ जो है दैट शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज ऑन एब्जॉपन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए तो दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है कि एक फोटोसिंथेसिस का स्पेक्ट्रम मतलब कि एक्शन स्पेक्ट्रम एक्शन मतलब क्या एक्शन हुआ उसको एब्जॉर्ब करने से तो एक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लैक कलर में है और जो ब्लू कलर का है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए तो जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि जहाँ क्लोरोफिल ए का एब्जॉप्शन ज़्यादा है वहाँ पर फोटोसेंथिसिस ज़्यादा है जहाँ कम हो जा रहा है एब्जॉर्प्शन वहाँ फ़ोटोसेंथिस स्लो डाउन हो जा रहा है और फिर एक बार लास्ट में जा कर के जब, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रहा है तो फिर से फोटोसेंसिस का रेट बढ़ जा रहा है तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई और इस ग्राफ से हमको ये समझ में आया कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस फोटोसेंसिस पिगमेंट का एबजॉपन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है प्लांट्स में अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल बी की जेंथोफिल की और कैरोटीनॉइड्स की तो जो जेंथोफिल है करोटीनोइड है और क्लोरोफिल बी है इनको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स दिज आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट क्योंकि क्लोरोफिल ए तो हो गया मेन पिगमेंट क्योंकि उसी का एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा है तो जो पीछे रह गए इनको हम लोग बोलते हैं एसेसरे पिगमेंट अब एसेसरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि अलग अलग वेव का जो लाइट एब्जॉर्व करते हैं दे एब्जॉर्व लाइट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ एंड देन द ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए इस वेवलेंथ ऑफ तो लाइट से जो उनको एनर्जी मिला है उस एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को कि लो भैया तुम ही काम करो ठीक है तो क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरोफिल ए का इसलिए हमेशा एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है क्योंकि बाकी जो हो वो एसेसरी पिगमेंट हो और वो क्या कर रहे हैं वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं बट उससे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो एनर्जी तो वो, वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि उसको क्लोरोफिल ए को तो इसलिए क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है तो दैट्स ऑल इन टूडेज क्लास थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू शेयर and subscribe my channel thanks a lot